Morning student, let's continue our poem Wind. Earlier we had read the first stanza of this. Let us see its second stanza. देखिए अब हम इसका second stanza देखते हैं. He will not do what you tell him, so come let's build strong homes, let's join the doors firmly, practice to firm the body, make the heart steadfast, do this and the wind will be friends with us, the wind blows out weak fires, he makes strong fires roar and flourish, his friendship is good, we praise him every day. In this stanza, the poet says that we should build strong houses and strong doors. We should have a strong body and hearts. When we are strong, the friendship of the wind will be good. Poet kya keh raha hai isme? He will not do what you tell him, so come let's build strong homes. वो कहता है कि जिस चीज़ को भी तुम करने को कहोगे, पवन जो है, विंड जो है, वह कभी भी हमारे हिसाब से या उस चीज़ को नहीं करती. वो कहते हैं इसके हम उसे तो नहीं रोक सकते, तो हमें क्या करना चाहिए? आओ हम, वो कहते हैं, मजबूत हम मकान बनाएं. लेट्स ज्वाइन द डोर्स फ्रेमली, मजबूत दरवाजे बनाएं. प्रैक्टिस टू फ्रेम द बॉडी, अपने शरीर को मजबूत बनाएं. कैसे? व्यायाम से. मेक द हार्ट स्ट्रीट फास्ट, अपने हृदय को मजबूती दें. Do this and the wind will be friends with us. The wind blows out weak fires. और वो कहता है कि ऐसा करो तो जो विंड है, जो पवन है, वो हमारी मित्र बन जाएगी. और पवन क्या करती है, जो विंड हवा क्या करती है, कमज़ोर आग, मीन्स जो कमज़ोर चीज़ें होती हैं उनको तोड़ देती है, कमज़ोर फायर जो होती है उसको बुझा देती है, लेकिन वह मजबूत आग को फैलने में और मजबूती से पनपने में भी सहायता करती है. हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड. वो कहते हैं कि इसकी जो, पोएट कह रहा है, इसकी जो फ्रेंडशिप है वो बहुत अच्छी है. जब हम शक्तिशाली होते हैं तो जो इसकी फ्रेंडशिप है, पवन जो है, उसकी मित्रता बहुत अच्छी होती है. और वी प्रेज हिम एवरी डे, और हम उसकी मित्रता की तारीफ भी करते हैं, उसे अप्रिशिएट भी करते हैं. इसी तरह वो कह रहा है पोएट कि हमें अपने जीवन में, हमें अपनी लाइफ में स्टूडेंट्स कैसा बनना है, स्ट्रांग बनना है. हमें वीक नहीं बनना, क्योंकि वीक इंसान कहीं भर भी कभी भी टूट सकता है. बट हमें नॉट इवन कि हमें मेंटली स्ट्रांग बनना है, बल्कि हमें शारीरिक तौर पर भी जो है स्ट्रांग बनना है, जिससे हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, व्यायाम करना चाहिए. अब इस तरह ही आप ये स्टैंजा अच्छी तरह रीड आउट करेंगे. अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है, आप मुझसे मैसेज से या कॉल से पूछ सकते हैं. इसके क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ मैं आपको भेजूंगी, उसमें से आप इन क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे. ओके, आपको फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, व्हाट आर द थिंग्स द विंड डज इन द फर्स्ट स्टैंजा. ये सब क्वेश्चन आपको मैं पीडीएफ में भेजूंगी, अपनी कॉपी में अच्छे से साफ साफ आपको लिखना है. ओके, थैंक यू.